नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एडुलिन के एप्लीकेशन पर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर वन में हम थिंकर्स पढ़ रहे हैं और थिंकर्स में हम आ चुके थे गुलिक एंड उर्विक पर। गुलिक एंड उर्विक का आज पार्ट नंबर टू है। फर्स्ट पार्ट में हमने इनके कुछ प्रिंसिपल्स जाने थे और इनका बेसिक इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश की थी। हमने ये भी जाना था कि मिलिट्री से संबंधित थे, वहीं से इन्होंने कुछ चीज़ें जानी समझी और फिर अपने प्रिंसिपल अपने सिद्धांत दे दिए। तो लास्ट क्लास में हमने जाना था कि इन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी, क्लासिकल थिंकर्स कहलाते हैं ये भी, ठीक है। जो इनकी जो थ्योरीज थी वो प्राइवेट और उसके साथ साथ पब्लिक दोनों के दोनों संगठन पे, दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल थी। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से ये संबंधित थे, ठीक है, यानी कि मिलिट्री से संबंधित थे, वहाँ पर इन्होंने काम किया है, उसी एक्सपीरियंस को इन्होंने रूप दिया है अपने प्रिंसिपल्स का, ठीक है। ये जो है बहुत ज़्यादा जो हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स थे और इनके प्रिंसिपल्स में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी मिलती है, यानी एकजुटता देखने को मिलती है हमें। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि इनके जितने भी, ठीक है, इन्होंने जो भी अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं वो मैनेजरियल एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि, ठीक है, टॉप लेवल की बात करते हैं, जिस तरीके से हेनरी फ्यूल ने भी टॉप लेवल की बात करी। हाँ, फ्रेडरिक टेलर साहब ने ग्राउंड लेवल की बात करी, वर्कर्स की बात करी, जबकि हेनरी फ्यूल ने और उर्विक एंड गुलिक ने, ठीक है, इन दोनों ने किसकी बात करी, मैनेजर लेवल की बात करी, टॉप लेवल की बात करी। यहाँ पे मैंने बताया था आपको गुलिक जो है वो क्या है, जापान ओरिजिन है, यानी जापान से संबंध रखते हैं, वहां से इनका जन्म हुआ था, जबकि जो ब्रिटिश हैं, जो आपके उर्विक हैं, वो ब्रिटिश ओरिजिन है। दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, क्लासिकल एरा थिंकर्स कहलाते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शन और स्ट्रक्चर की बात करी इन्होंने भी बाकी थिंकर्स की तरह ही। क्लासिकल थिंकर्स को अभी केवल ये समझिए मोटा मोटा, वो थिंकर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शन की और उसके ऑर्गेनाइजेशन उसके स्ट्रक्चर की बात करता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं क्लासिकल एरा थिंकर्स। फिर हमने बात की थी इनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी की, मतलब किस तरीके से इन्हें चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है, बताया है। इन्होंने भी जैसे कि हेनरी फ्यूल और फ्रेडरिक टेलर ने कहा था कि जो पुराने तौर तरीके हैं उनको साइंटिफिक तौर तरीकों से परिवर्तित कर देना चाहिए, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो पुराने रवैये हैं, पुराने तौर तरीके हैं, एंशियंट मेथोडोलॉजी हैं, उनको चेंज कर देना चाहिए वैज्ञानिक तौर तरीकों से। ये इसमें लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं। फिर इनके ये भी बताया गया था जो इनके प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी जो इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बात कही थी, उन्होंने कही थी, इन दोनों ने कही थी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूज़न, यानी कि जो शासन है और जो प्रशासन है वो एक ही है, ठीक है, उनमें समानताएँ हैं इन्होंने कहा। बस इसी बात से ये जो क्लासिकल एरा के जो थिंकर्स हैं, क्योंकि क्लासिकल एरा के थिंकर्स ने क्या कहा था कि राजनीति यानी शासन और प्रशासन दोनों अलग है, लेकिन इन दोनों ने क्या कह दिया था, उर्विक एंड गुलिक ने, ठीक है, गुलिक एंड उर्विक ने क्या बोला था कि शासन और प्रशासन एक ही है, दोनों में समानताएं हैं। इन्होंने एक बात भी और कही थी, इन्होंने एडवोकेट किया था इस बात का क्या कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को एंटर करना चाहिए किसमें, राजनीति में। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है उन्हीं चीजों में से निकला हुआ है जिसमें एक राजनीति, राजनीतिज्ञ क्या करता है, जो कार्य कर रहा है उसी तरीके के लगभग कार्य यही करता है, तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर को हाथ आजमाना चाहिए राजनीति में। और इन्होंने विश्वास किया डिसेंट्रलाइजेशन का, डिसेंट्रलाइजेशन। तो तीन पॉइंट्स इनके बहुत रहे इंपॉर्टेंट थे जिससे क्लासिकल एरा के थिंकर से बिल्कुल थोड़े डाइवर्ट विपरीत हो गए, जिसमें तीन पॉइंट थे। पहला पॉइंट इन्होंने कहा पॉलिटिक्स और राजनीति, सॉरी शासन और प्रशासन, यानी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन एक ही हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे का ही मिलता स्वरूप है। फिर इन्होंने क्या वकालत करी किसकी, कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको राजनीति में एंट्री कर लेनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने किसकी करी, विकेंद्रीकरण की, यानी डिसेंट्रलाइजेशन की क्या करी, बढ़ाई करी, ठीक है, इसकी ओर फोकस किया है, उनकी डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देने की बात करी। अब हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे किसके, गुलिक एंड उर्विक की। तो पहला जो प्रिंसिपल था बच्चों, पहला प्रिंसिपल था पोस्ट कोर्ब। तो फटाफट बताइए फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट कोर्ब, हमने पोस्ट कोर्ब प्रिंसिपल पढ़ा था, पोस्ट कोर्ब प्रिंसिपल। उर्विक एंड गुलिक का व्यू था पोस्ट कोर्ब व्यू,
यानी एक प्रिंसिपल था पोस्ट कोर, तो फुल फॉर्म बताइए फटाफट पोस्ट कोर की, क्या है पोस्ट कोर? पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर, फटाफट लिख दीजिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, शाबाश, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, वेरी गुड वेरी गुड, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि चीजों को प्रस्तुत करना, अगर किसी ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है यहाँ पे गुलिक एंड उर्विक कहते हैं टॉप मैनेजमेंट से, कि अगर क्या करना है तो इस ऑर्गेनाइजेशंस में जो मैनेजमेंट्स का काम है, क्या काम है, चीजों को व्यवस्थित ढंग से अवेलेबल कराना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग सही बंदे के लिए सही पोजिशन, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये हम बात कर चुके हैं। फिर हमने अगला प्रिंसिपल देखा था डिपार्टमेंटलाइजेशन, फटाफट बताइए कितने पी की बात की थी डिपार्टमेंटलाइजेशन के लिए? ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन के लिए कितने पी की बात की थी? 4 P की बात की थी, 4 P, चारों पी को बताइए फटाफट, कौन कौन से पी है, फिर हम आगे पढ़ेंगे, आज एक हल्का सा क्विक रिविजन हो जाए तो चीजें याद हो जाती है, वेरी गुड। 4 P की बात की थी, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट के बनाने के लिए, ठीक है, 4 P की बात की थी, किसी भी एक पी से एक डिपार्टमेंट बन सकता है, तो कौन कौन से पी हैं फटाफट बताइए, प्लेस, पर्पस, प्रोसीज एंड पर्सन, वेरी गुड, प्लेस, पर्पस, प्रोसीज एंड पर्सन, ठीक है, वेरी गुड, प्लेस, पर्सन, प्रोसीज एंड, वेरी गुड, प्लेस, पर्सन, प्लेस, पर्पस, प्रोसीज एंड पर्सन, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यानी कि कितने, 4 P, प्लेस, पर्पस, प्रोसेस एंड पर्सन, 4 P की रिक्वायरमेंट थी, 4 P, ठीक है, 4 P यानी कि बेस्ड अपॉन 4 P, 4 P के ऊपर इन्होंने प्रिंसिपल दिया डिपार्टमेंटलाइजेशन का। ठीक है, डिपार्टमेंट यानी विभागीय, ठीक है, जो विभागीय प्रिंसिपल है, विभागीय सिद्धांत है, वो किस पर डिपेंड है, 4 P पर। एक पी हो गया आपका प्लेस, यानी कि जैसे रीजनल ऑफिस बताया था मैंने, जैसे नॉर्दर्न रेलवे है, रेलवे का एक डिपार्टमेंट है नॉर्दर्न रेलवे, एक साउदर्न रेलवे है, दक्षिण रेलवे है ना, जैसे दक्षिण रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, तो एक क्या है रीजनल यानी क्षेत्रीय प्लेस का। एक पर्पस पे बताया था कि क्या काम है, ये फाइनेंस का है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, तो ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे बात करेंगे, तो आज आगे बात करते हैं इनका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है गुलिक एंड उर्विक का, तो वो है हमारा कोऑर्डिनेशन। क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन किस लिए जरूरी है? देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, वहां पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी हारमोनी पर डिपेंड करता है, उनमें भाईचारा होना चाहिए, सब लोग एक साथ काम करें। मैंने आपको कई क्लास में बताया कि कोऑर्डिनेशन का मतलब आप समझिए एक साइकिल से, बहुत दिमाग से एक साइकिल रखिए अपने दिमाग में, ये एक साइकिल है, ठीक है, साइकिल में क्या है बच्चों, 2 पहिए हैं, ठीक है, ये सीट है, ये आगे हैंडल है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब है, अगर साइकिल आपको रन करानी है आगे को, तो दोनों पहिए कोऑर्डिनेट करें यानी एक ही दिशा में चलें, ठीक है, तभी साइकिल आगे रन करेगी। अगर क्या हुआ, एक पहिया आगे चल रहा है, एक पीछे, एक पहिया पीछे चल रहा है, तो क्या साइकिल रन कर पाएगी? क्या जिस दिशा में आप साइकिल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। हाँ, पीछे वाले पहिए को आपने जोर से घुमा दिया तो हो सकता है पीछे चली जाए थोड़ी बहुत, लेकिन एक प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी साइकिल अपना। तो बस यही काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी भी इंडस्ट्री के साथ, किसी फैक्ट्री के साथ, किसी भी ग्रुप के साथ, अगर वहां पे वहां का जो सिस्टम है, वहां के जो एम्प्लॉय हैं, वहां का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय है, जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं, उनके बीच में हारमोनी नहीं, यानी भाईचारा नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था, वो फैक्ट्री, वो इंडस्ट्री, ठीक है, वो ग्रुप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या बताया गुलिक एंड उर्विक ने, कहा कोऑर्डिनेशन का मतलब है हारमोनी यानी भाईचारा। ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हारमोनी होगी यानी भाईचारा होगा, एक दूसरे की बातों को समझेंगे और एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में सब बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट, जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं वो नहीं होंगे इंडस्ट्री के अंदर या फैक्ट्री के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो विवादों को खत्म करने के लिए गुलिक एंड उर्विक ने किसकी बात करी? कोऑर्डिनेशन की बात करी। अब जरा इस एग्जाम्पल से समझिएगा बहुत ध्यान से, देखिए ये क्या है बच्चों, एक रेलवे लाइन बन रही है, रेलवे लाइन बिछ रही है, ठीक है, रेल की पटरी बिछ रही है एक। अब रेल की पटरी कौन बिछा रहा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे,
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या है, रेल लाइन बिछा रहा है। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने रेल लाइन बिछा दी। अब जैसे रेलवे लाइन बिछा रहा है तो रास्ते में क्या हुआ है, नेशनल हाईवे आ गया, नेशनल हाईवे आ गया। अब नेशनल हाईवे आ गया है तो क्या करना है इनको, अब इनको इसके नीचे से अंडरग्राउंड लेके जाना है रेलवे लाइन को, या इसके ऊपर से लेके जाना है, या तो पुल बनाए ऊपर से या अंडरग्राउंड लेके जाए। इसके लिए क्या है, इनको परमिशन लेनी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रोड, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट से परमिशन लेनी है। अब क्या हो रहा है, अगर इन दोनों में हारमनी नहीं है, ये एक दूसरे से एक दूसरे की सुन नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, इनका काम यहीं रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं रुकेगा, फटाफट बताइए, वर्क विल बी स्टॉप और नॉट, काम रुकेगा कि नहीं रुकेगा, बताइए मुझे। अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, हारमनी नहीं होगा, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, काम रुक जाएगा। अगर इन दोनों का ही, ठीक है, मान लीजिए इनका दोनों का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, दोनों का उद्देश्य है कि देश को डेवलप करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, एक ही दिशा में बढ़ेंगे। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो रोज इनको पेपर भेजते रहेंगे कि जी हमें आपके इसे अंडरग्राउंड बनाना, नेशनल हाईवे के नीचे से हमें परमिशन दीजिए, वो फाइल देखेंगे, देख के पढ़ेंगे और फिर जवाब भी नहीं दे रहे, तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से क्या होगा, जब हार्मनी नहीं होगी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो वर्क विल बी स्टॉप, काम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए गुलिक एंड उर्विक ने क्या कहा है कि जो ये जो ये जो मिनिस्ट्री है, समझिए, ये जो मिनिस्ट्री है जिन, ठीक है, उनके बीच में क्या होना चाहिए, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्थाएं हैं, उनके जो उनके बीच में क्या होनी चाहिए, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो उसके एलिमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच में क्या होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए इन्होंने बताया है, इसके लिए बताया इन्होंने हायरकी, क्या बताया, एक हायरकी बताया इन्होंने, जैसे समझिए हायरकी, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, ठीक है, इसके ऊपर कौन है, पीएम साहब है, प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी के अंडर में पीएमओ काम करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस काम करता है, राइट। अब देखिए प्राइम इसके अंडर में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, ये रेलवे लाइन बन रही थी, यहां से नेशनल हाईवे जा रहा है, यहां भी आगे लाइन बन गई, बस इस टुकड़े पर नहीं बनी है, तो क्या होगा, हायरकी, मतलब अब देखिए यहां पे इन दोनों का बॉस कौन है, इन दोनों का बॉस पीएम साहब है, तो पीएम साहब इंस्ट्रक्शन देंगे पीएमओ को कि भैया हमें देश को आगे बढ़ाना है, फटाफट क्या करो, इनको बोलो रेलवे को अंडरग्राउंड पास बनाने की शुरुआत करे, बनाना शुरू कर दे, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट से बोलो कि इनको परमिट करे, ठीक है, इनको क्या करे, परमिट करे, और इनसे क्या बोलो, इनसे कहो कि तुम अपना काम चालू करो, तो ठीक है, एक हायरकी होनी चाहिए, मतलब इन दोनों के ऊपर एक ऐसा बंदा होना चाहिए, ठीक है, जो क्या करे, इन दोनों को कंट्रोल कर सके। तो इसकी क्या करी गुलिक एंड उर्विक ने, वकालत करी, यानी कि दे एडवोकेट फॉर कोऑर्डिनेशन थ्रू, यानी कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है, नंबर एक हायरकी, यानी कि हायरकी के थ्रू क्या किया जा सकता है, कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है, यानी कि दोनों किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स काम कर रहे हैं उनके बॉस होना चाहिए, जो दोनों को ही इंस्ट्रक्शन दे सके। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, चीजें समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन हो सकता है, नंबर एक हायरकी के थ्रू, नंबर दो आइडियाज के थ्रू। अब मान लीजिए, देखिए किन किन में झगड़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के बीच में झगड़ा था, ठीक है, इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, इन दोनों के विवाद की वजह से क्या हो रहा था, अंडरपास नहीं बन पा रहा था, बिल्कुल नहीं बन पा रहा था। अब अंडरपास जब बन नहीं पा रहा था, अगर ऐसा हो जाए, बहुत ध्यान समझिए, यानी कि ये रेलवे लाइन है, मैं बिल्कुल 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 जीरो एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको चीजें बहुत आसान समझ में आए, चीजें समझ में आ जाएंगी तो फिर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं देखता भी हूं कि आप बहुत शानदार लिखने लगे हैं, ठीक है, मैं कई बार मुझे लगता है कि शायद कोई एक्सपर्ट ही लिख रहे हैं, इस तरीके से आपके एक दो के तो आंसर इतने अच्छे आए हैं। तो देखिए रेलवे लाइन है,
ये नेशनल हाईवे है, ठीक है, ये आपका नेशनल हाईवे है और ये यहाँ पर रेल लाइन बन गई। अब इसके नीचे अंडरग्राउंड बनना है। अब यहाँ पे गुलीकंद उर्विक साहब कहते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट है उस कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है, वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण है ये अंडरपास। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अंडरपास है। अगर क्या हो, पहले से एक प्लान बना लिया जाए, पहले से ही एक प्लान बना लिया जाए कि ऐसे रेलवे लाइन गुजरेगी और बीच में क्या होगा, नेशनल हाईवे पड़ेगा, उसके नीचे से अंडरपास बनाया जाएगा और ये प्लान बना के इन दोनों को पहले से ही प्रोवाइड कर दिया जाए, तो बताइए क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा इन दोनों में, क्या विवाद होगा, यस और नो करके मुझे बताइए फटाफट। क्या आपको लगता है इन दोनों में विवाद होगा अगर पहले से ही एक प्लान बना के एक पॉलिसी बना ली जाए, एक प्लान बना लिया जाए, एक पॉलिसी बना ली जाए और इन दोनों के दोनों मिनिस्ट्री को प्रोवाइड कर दिया जाए, आप भी लीजिए इस प्लान के अकॉर्डिंग काम होना है, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा? बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं होगा और क्या होगा, दोनों प्रॉपर कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे का और क्या होगा, हमारा जो टास्क है उसको अचीव कर लेंगे। देखिए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें, कॉन्फ्लिक्ट मतलब, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है मोटा मोटा समझिए कि आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। सेकंड वन क्या होगा, अगर आपने अचीव भी कर लिया आपने तो आप उस लेवल तक नहीं जा पाएंगे जो आपने फिक्स किया था। नंबर तीन, कॉन्फ्लिक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी डाउन करती है, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करती है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है तो होता है, जो विवाद होता है वो किस तरीके से रिमूव किया सकता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने का सिंपल रीजन है हार्मनी, ठीक है, क्या नहीं, भाईचारा, यानी कि एक दूसरे का सपोर्ट। तो देखिए जैसे एक पहले से प्लान ऑफ एक्शन एक पॉलिसी तैयार की हुई थी तो उससे क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के पास वो पेपर थे, दोनों ने देखा ओके यार ये यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है भाई इनको परमिट कर दो, हमारे पास पहले से प्लान था, परमिट किया, कोई डिले नहीं हुआ और ये आगे बढ़ गए, ठीक है। तो यानी कि तीसरी पॉइंट क्या बताया, तो एक पॉइंट तो बताया ये हायरकी मतलब एक बॉस होना चाहिए जो इनको दोनों को कंट्रोल कर ले। दूसरी बात गुलीकंद उर्विक ने बताया कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने का। दूसरा बताया कि भैया पहले से एक आइडिया होना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए पहले से ही, तब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बताया वो बताया है कमेटी। कमेटी मतलब समझिए, ये कहते हैं गुलीकंद उर्विक कहते हैं मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के दो एलिमेंट हैं और दो एलिमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है किसी इशू को लेके। फॉर वही एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ क्या है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में झगड़ा है उसी रेलवे लाइन को लेके और अंडरपास को लेके। तो क्या यहां पे कहते हैं गुलीकंद उर्विक कि इस विवाद को खत्म करने का एक तरीका क्या है कि एक आप कमेटी बनाओ। क्या बनाओ, एक कमेटी बनाओ जिस कमेटी के अंदर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, इस कमेटी के अंदर एक कमेटी बनाओ, इस कमेटी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मेंबर हो, ठीक है। अब वो जब कमेटी बनेगी तो वो इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि भाई हम ऐसे ऐसे रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, बीच में नेशनल हाईवे पड़ेगा, अब बताइए क्या होगा। तो देखिए जब कमेटी बनेगी तो कमेटी इस बात पे डिस्कस करेगी और फिर यही लोग हल निकालेंगे, ठीक है, रिजल्ट निकालेंगे कि हमें किस तरीके से अंडरपास को पास कराना है। तो कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या, हार्मनी। अगर हार्मनी होगी, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के, फटाफट सभी लोग लिख के बताइए फटाफट बहुत तेज से, कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए या कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए तीन कौन कौन से तरीके बताए, तीन कौन से तरीके बताए, फटाफट लिख दो सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तीनों के तीनों लिख दीजिए, कौन कौन से रीजन है। हाँ, वेरी गुड, हायरार्की, आइडिया और कमेटी, ठीक है, हायरार्की, कमेटी और आइडिया, ठीक है, आइडिया लिख दो, पॉलिसी लिख दो, प्लान लिख दो, चीजें समझ में आ रही है ना। आइडिया, मैंने जैसे आइडिया लिखा है, मैंने भी ये क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे शब्दों को इस्तेमाल कर रहा हूं जो बहुत अच्छे समझ में आए आपको। ये अगर बुक की भाषा लिख दी तो उड़ जाएगा मामला। आइडिया लिखिए तो और अच्छा है, प्लान लिखेंगे तो और अच्छा, पॉलिसी लिखेंगे तो और अच्छा, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जानता है, ये शब्दों से खेलता है। आपको शब्दों से खेलना होगा, जब आप शब्दों से खेलने लगेंगे तो अपना आप अच्छा लिखने लगेंगे, ठीक है।
चलिए फिर, तो यानी तीन रीजन बताए, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोऑर्डिनेशन मतलब हार्मनी, कोऑर्डिनेशन मतलब हार्मनी, हार्मनी किस तरीके से मेंटेन की जाती है, नंबर एक हायरार्की, नंबर दो आइडिया और नंबर तीन कमेटी। अब आप देख रहे हैं अभी तक यहां पे एक चीज देखी होगी आपने, अगर ये पीएमओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में ये पीएमओ है, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, ठीक है, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। तो देख रहे कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में हो रहा है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन यानी कि और इन दो इनके बीच में हो रहा है क्या, पीएमओ और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बीच में या मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्या, बताइए मुझे। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या बोस का नीचे वाले तबके से कॉन्फ्लिक्ट है या नीचे वाले तबकों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, है ना, नीचे वाले तबकों का कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली कॉन्फ्लिक्ट है, वर्टिकली कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं, वी शुड नोट दैट क्लासिकल थिंकर्स, यानी कि क्लासिकल थिंकर्स वो थिंकर्स जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शन और स्ट्रक्चर की बात करी, ठीक है, वी शुड नोट दैट क्लासिकल थिंकर हैड बिलीव दैट कॉन्फ्लिक्ट कैन अकर ओनली एट हॉरिजेंटल लेवल नॉट इन वर्टिकल लेवल, यानी कि क्लासिकल थिंकर्स इस बात में विश्वास करते थे कि जो झगड़ा होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो हॉरिजेंटली होगा, वर्टिकली नहीं होगा। सिंपल सी बात है यार, क्या कोई अपने बॉस से पंगा लेगा क्या, मान लीजिए इनमें से कोई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, यहाँ पे कोई जो मंत्री है, मंत्री साहब प्रधानमंत्री से पंगा लेंगे क्या, अगर पंगा लेंगे तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा कि निकल बेटा साहब मंत्रालय छोड़, हाँ इनकी आपस में छिटम कसी चलती रहेगी, लेकिन ऊपर से नहीं लेंगे, बॉस से पंगा नहीं लेंगे। तो वर्टिकली क्या है, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है बच्चों, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, हॉरिजेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, याद रहेगा। चले आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, किसकी बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि दे बिलीव्ड इन प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, ठीक है, इसकी बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी की बात करते हैं अब, देखिए प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी क्या है, अभी डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, विकेंद्रीकरण, मोटा मोटा समझिए, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, विकेंद्रीकरण, हिंदी में विकेंद्रीकरण मतलब अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ पावर, राइट, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी अपनी जो शक्ति है उसको विभाजित करना, जैसे शुरुआती दौर में देखिए जब भारतीय संविधान बना, ठीक है, भारत देश आजाद हुआ, तो उस समय केंद्र सरकार हुआ करती थी, राज्य सरकार हुआ करती थी, केंद्र पूरे देश को देख रहा था, राज्य अपने स्टेट को देख रहा था, मुख्यमंत्री साहब थे स्टेट के अंदर, देश में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आज भी है, मतलब हुआ क्या करते थे, आज भी यही चल रहा है। लेकिन उस समय दिक्कत क्या होती थी बच्चों, मान लीजिए गांव में खड़ंजा नहीं बिछ रहा, खड़ंजा समझते हैं आप, ईंटों से बनी सड़कें, ठीक है, नालियां नहीं बन रही हैं, तो ये बात मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचे, पहुंचती नहीं थी, गांव में अपनी दिक्कतें हैं, गांव में अपनी दिक्कतें हैं, स्टेट की अपनी दिक्कतें हैं और देश की अलग दिक्कतें हैं, तो जो देश की दिक्कतें हैं उसे संभालने के लिए प्रधानमंत्री साहब हैं, राज्य में जो दिक्कतें हैं उसको संभालने के लिए मुख्यमंत्री साहब हैं, लेकिन गांव में ग्राउंड लेवल पर जो दिक्कतें हैं वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही, अगर पहुंच रही है तो वो ठीक करवा रहे हैं उसको, लेकिन हर समय थोड़ी वो उस चीज को देखेंगे, तो उसके लिए क्या किया गया, जैसे आपको पता है नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है, म्यूनसिपालिटीज और नगर पालिका इंट्रोड्यूस की गई, यानी कि लोकल गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस की गई, लोकल गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस की गई, यानी कि जो पावर थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, उसको विभाजित कर दिया गया, यानी जो मुख्यमंत्री साहब थे जो अकेले इतना सारा काम देख रहे थे, उनकी क्या की कुछ क्षमता को क्या कर दिया गया, बाकी लोगों में बांट दिया गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो यहां पर भी गुलिक एंड उर्विक कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, यानी कि पावर का डिविजन होना
जरूरी है, ये नहीं कि टॉप पे बैठा। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये बॉस है। अब सब काम बेचारा बॉस ही देखे, किसी को पैसा रिलीज करवाना है तो बॉस के पास परमिशन लेनी है, टेक्निकल वाले को कोई काम है तो बॉस से परमिशन लेगा, फाइनेंस वाले को कोई काम है तो बॉस से परमिशन ले रहा है, कमर्शियल वाले को कोई काम है तो परमिशन बॉस से ले रहा है। ऐसा ना हो, बॉस क्या करे, अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्या कर दे, नीचे वाले को दे दे अपने से। और मान लीजिए बिल्कुल तबके लेवल पर है, उनको कोई इशू है तो इनसे अपनी बातें सोल्व करा ले, इनसे अपनी इशू सोल्व करा ले, बॉस तक ना जाए। नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, पावर की का क्या हो जाए, डिवीजन हो जाए, सब कुछ एक ही आदमी ना देखे। लेकिन यहां पे एक बात और बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट कितने तरीके की है, एक आपकी यूनियन गवर्नमेंट है, एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, और एक आपकी लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अपने काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपने काम कर रही है, लोकल गवर्नमेंट अपने काम कर रही है, ठीक। यहां पे गुलिकांड उर्विक साहब कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है, यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे काम है वो लोकल गवर्नमेंट देखे, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट देखे, केंद्र लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट देखे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा आप ये समझने लगे, क्या समझने लगे, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी बोलते हैं कि जो काम कोई अगर काम केंद्र सरकार अच्छे से कर सकती है तो भैया उसे केंद्र सरकार को ही करने दो, ये ना हो कि आप ये काम राज्य सरकार को दे दो, या जो काम राज्य सरकार अच्छे से कर सकती है उसे आप लोकल गवर्नमेंट को दे दो। ऐसा आप करोगे तो दिक्कतें पैदा होंगी। इसका एक जीता जागता आपको एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, आपने वैक्सीनेशन के बारे में सुना है, COVID-19 का जो वैक्सीनेशन हो रहा है, सुना है उसके बारे में, आपने कराया होगा वैक्सीनेशन, सुना क्या होगा, करा रहे होंगे आप, सभी लोग वैक्सीनेटेड हैं, यू ऑल आर वैक्सीनेटेड, नहीं है तो हो जाइए, नहीं है तो हो जाइए, ठीक है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है, हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है तो हो जाइए, अगर आप नहीं है, ठीक है, अगर फर्स्ट डोज अगर आपको नहीं लगी है तो जाइए और लगाइए, ठीक है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक बोल रहे हैं, हमें किसी नेता से कोई मतलब नहीं है, कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता छोड़ दीजिए। अब देखिए वैक्सीनेशन का क्या हुआ, वैक्सीनेशन का शुरुआती दौर में क्या हुआ, आप देख रहे होंगे जनवरी 2021 की अगर हम बात करें, 2021 की बात करें तो जनवरी 2021 में एक वैक्सीन महाअभियान शुरू किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने अपने अंडर में। लेकिन क्या हुआ, वो बहुत धीमा था, और उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल में कोविड अपने पीक पे आया भारत में और एक बहुत बुरा हाहाकार मचा गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि वैक्सीनेशन राज्य सरकार भी अपने तरीके से खरीद सकती है दूसरे देशों से और लगवा सकती है, यानी कि केंद्र सरकार का जो काम था उसने क्या करा, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, अपनी पावर, जो काम बहुत अच्छे से केंद्र सरकार कर सकती थी उस काम को थोप दिया किस पे, राज्य सरकार पर। अब उससे दिक्कतें क्या हुई बच्चों, अब राज्य सरकार आप देख रहे हैं किस तरीके से फिर आउटपुट आया, रिजल्ट आया, राज्य सरकार लड़ने लगी, कोई कहने लगा मैं कहां से करूंगा वैक्सीनेशन, ये काम केंद्र सरकार का। फिर फाइनली क्या हुआ, मोदी जी टीवी पर आए और फाइनली फिर इस वैक्सीनेशन को उन्होंने अपने ही हाथ में ले लिया। ठीक है, अभी वैक्सीनेशन का मैं कहता हूं जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, लेकिन एक ही अथॉरिटी के पास है, यानी वो केंद्र सरकार के पास है। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज गुड, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज गुड, यानी कि पावर का नहीं शक्ति का विभाजित होना जरूरी है, किसी एक एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति आना, ठीक है, या किसी एक अथॉरिटी के हाथ में शक्ति का आना ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन ठीक है, लेकिन कई बार आपको उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना ही होगा, क्योंकि अगर एक के पास, एक ही व्यक्ति के या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के या किसी एक ही टॉप मैनेजमेंट के हाथ में पावर आ जाएंगी तो ओवरबर्डन हो जाएगा, ज्यादा काम हो जाएगा एक ही पर, तो क्या होगा, आउटपुट विल रिड्यूस ऑटोमेटिकली, आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा, यानी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी काम की क्या हो जाएगी बच्चों, ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया, आप खुद बताएंगे, यूनिटी ऑफ कमांड, इन्होंने भी यूनिटी ऑफ कमांड का फेवर किया। फटाफट बताओ इस यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड से आप क्या समझते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड से आप क्या समझते हैं, वन बॉस वन वर्कर, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बाकी लोग बताइए, वन वर्कर वन बॉस, इधर वाले भी दिखाइए,
गुड, वेरी गुड, एक आदमी का एक ही बॉस, वेरी गुड, वन बॉस वन वर्कर, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है, जैसे आपको पता ही है, यहां पे गुलिक एंड उर्विक भी इसी बात को बोलते हैं कि भैया एक आदमी का एक ही बॉस होना चाहिए, एक वर्कर का एक ही बॉस होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा, अगर किसी व्यक्ति का या किसी वर्कर का, किसी मैन का एक से ज्यादा बॉस हो जाएंगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, कंफ्यूजन होगा, इनएफिशिएंट होगा, यानी कि अपनी क्षमता से कम काम करेंगे, इरेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, ये कहेगा कि ये काम इसने दिया, ये कहेगा इसने दिया, ठीक है। और क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की, ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, ठीक। दोबारा समझिए क्या बोलते हैं गुलिक एंड उर्विक साहब, वही बात बोलते हैं जो किसने बोली, ये बात बताइए, फेडरिक टेलर साहब ने बोली थी या हेनरियर फ्यूल ने, हेनरी फ्यूल ने बोली थी यूनिटी ऑफ कमांड, स्पेशलाइजेशन यानी प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, किसने बोली थी ये बात, शाबाश, हेनरी फ्यूल ने, ठीक है, वेरी गुड, हेनरी फ्यूल, याद होने लगा ना आपको, देखो याद होने लगी चीजें, याद होने लगी ऐसे ऐसे, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। अब यूनिटी ऑफ कमांड में आप हेनरी फ्यूल भी एंट्री करा दोगे, आप गुलिक साहब को भी एंट्री करा दोगे, तो लिखने लगे ना, जब जिन चीजों पे कभी आपका पेन नहीं उठता था, अब उनका पेन आपका शुरुआत तो हुई, आप कुछ तो लिखेंगे, 10 लाइन लिखने को आई, ठीक है, आप आधा लाइन तो लिख रहे हैं, क्योंकि आपकी तरह ही बहुत है मार्केट में जो आधी लाइन भी नहीं लिख पा रहे, आपने पेन तो उठाया। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक वर्कर का एक ही बॉस हो, दो बॉस कतई ना हो, बिल्कुल ना हो। इसका जीता जागता उदाहरण आपको देता हूं, यूपीए टू में क्या होता था, दो प्रधानमंत्री हो रहे थे, एक तो आपके मनमोहन सिंह जी हो रहे थे और एक सोनिया गांधी जी हो रही थी। जितनी नीचे मिनिस्ट्री थी, अब मिनिस्ट्री क्या करती थी, उनको लगता था इससे इनका ऑर्डर माने कि इनका ऑर्डर माने, समझ में ही नहीं आ रहा था। मनमोहन सिंह जी ने कहा ऐसे करो, सोनिया गांधी जी का फोन आया, नहीं नहीं आप ऐसे करो, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा था, वो कहता था यार क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो काम ही नहीं करता था। यानी ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी क्या हो गया इस मिनिस्ट्री की, यानी क्षमता अपने आप घट गई, अभी काम ही नहीं कर पा रहे। तो किसी भी, ठीक है, गुलिक एंड उर्विक बोलते हैं कि किसी भी वर्कर का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बॉस होना चाहिए, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड की बात वो कर रहे हैं, यानी कि एक ही बॉस होना चाहिए, दो दो बॉस ना हो जाएं, उससे क्या होगा ऑटोमेटिकली कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब इस मिनिस्ट्री वाले को, इस मिनिस्टर को कंफ्यूजन होगा, यार मनमोहन सिंह की बात मानूं कि सोनिया गांधी की बात मानूं, ठीक है, एफिशिएंसी इसकी रिड्यूस हो जाएगी, ये भी इरेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, कह रहा मरते मरो, जीतो मुझे क्या लेना यार, मैं करता ही नहीं काम, भला मैं फंसता ही नहीं चक्कर में, अगर इसकी इसका काम कर दे तो ये डांट लगाएगी, इसका करूंगा तो ये डांट लगाएगा, मैं चक्कर में नहीं पड़ता, मैं कम याद हो रहा है जी, मिक्स हो रहा है, तो रिवाइज करना पड़ेगा सुनीता, आपको रिवाइज करना पड़ेगा कहीं के बाद, मिक्स तो होगा ही, अभी तो शुरुआत हुई है सिलेबस में, ठीक है, अभी तो शुरुआत है, या रिवाइज कीजिए, बस क्या करना, कान में लीड लगा के पहली वीडियो दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। अभी आपको मैं सारी PPT दे दूंगा, सारी की सारी आपके पास पहुंच जाएंगी कुछ दिन बाद, ठीक है, तो कुछ थोड़ा मटेरियल तो होना आपके पास, तो फिर क्या करना, आप दोबारा वीडियो देखिए, उस पर फिर गोला कीजिए जो जो मैं बता रहा हूँ, बस फिर कुछ लिखना शुरू कीजिए, आपको देखो चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक, जैसे मुझे याद रह जाती हैं, क्लियर है। तो क्या हुआ, समझ रहे हैं क्या, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है एक वर्कर का एक ही बॉस होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, एफिशिएंसी घट जाएगी और आउटपुट भी कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं, इन्होंने अगला प्रिंसिपल दिया डेलीगेशन का मतलब है कि अपना काम अपने सब ऑर्डिनेट को क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सपोज कीजिए यू विल बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप DM साहब हैं, ठीक है, आपको क्या करना, फेयर नगर पालिका के इलेक्शन कराने हैं,
ठीक है, आपको फेयर इलेक्शन कराने, तो आप अकेले थोड़ी कराएंगे, आपके पास बहुत सारा काम है, तो उस काम को क्या करेंगे आप, आपके नीचे जितने एसडीएम हैं, जितने भी एसडीएम हैं उन सबको क्या करेंगे आप, वो काम आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जितने भी एसडीएम हैं उन सबको क्या कर देंगे आप, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि मैनेजर शुड फोकस ऑन इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड रेस्ट ऑफ द वर्क शुड बी डेलीगेटेड टू द लेबर वर्क। जो मेन काम है, उस पर तो डीएम आप जब बन जाएंगे आप ध्यान रखिए, बाकी जो काम है वो एसडीएम को दे दो। ये सपोज कीजिए इलेक्शन कराने का, ठीक है, इलेक्शन कराने में एक बहुत बड़ा रोल किसका होता है, ईवीएम को होता है, तो ईवीएम की फंक्शनैलिटी, ठीक है, ईवीएम का रख रखाव, उसकी सिक्योरिटी पर आप ध्यान दीजिए, बाकी सारे की वोटिंग लिस्ट में किसका नई नाम है, किसका नाम है, किसका वोटर आई कार्ड बनना है, और जो अलग अलग फंक्शंस हैं वो किनको दे दिए जाए, एसडीएम को दे दिए जाने चाहिए, यानी कि जो टॉप लेवल के लोग हैं उनको टॉप लेवल के ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने हाथ में रखें, बाकी क्या करें, सबऑर्डिनेट्स को क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इसी को बोलते हैं डेलीगेशन। क्लियर हो बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट, आगे बढ़े, इज इट क्लियर नॉट, चीजें समझ में आ रही है, इन शब्दों को बस दिमाग में रखना है कि डेलीगेशन का मतलब क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी क्या है, ये आपको बस थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में रखिए, चीजें सब क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं स्टाफ लाइन एजेंसी, स्टाफ लाइन एजेंसी के बारे में बात करते हैं, ये भी गुलिक एंड उर्विक का एक प्रिंसिपल है, शानदार प्रिंसिपल है, इसके बारे में बात करते हैं स्टाफ लाइन एजेंसी। देखिए समझिए, पहले बात करते हैं लाइन का मतलब क्या है, लाइन का मतलब है एग्जीक्यूट कराने वाला, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, एग्जीक्यूट कराने वाला, ठीक है, और स्टाफ का मतलब है पॉलिसी प्लान करने वाला, बहुत ध्यान सुनिए, लाइन यानी एग्जीक्यूट करने वाला, जो ग्राउंड लेवल पे जाके, ग्रास रूट लेवल पे जाके प्लान को एग्जीक्यूट करे, ठीक है, और स्टाफ का मतलब है पुलिस, पॉलिसी बनाने वाला, प्लान बनाने वाला, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्टाफ बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल समझाता हूं आपको, एक होता है बच्चों पुलिस हेडक्वार्टर, ठीक है, और एक होता है पुलिस थाना, पुलिस स्टेशन, थाना, थाना समझते हो कि नहीं समझते हो, कोई ऐसा आप में थाना नहीं समझता, कोई इंग्लैंड से आया हो तो मैं बता दूंगा थाना क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय थाना, थाने से समझते हो क्या है, थाना क्या होता है जानते हैं, थाना नहीं जानते तो मैं बता देता हूं क्या होता है थाना, एक चोर जो था चोरी करके जा रहा था, चोर जो था चोरी करके भाग रहा था, पुलिस उसके पीछे पीछे थी, चोर तो घर में कूद गया, एक साइड में दीवार कूद के भाग गया, एक शरीफ आदमी आ रहा था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, पुलिस पकड़ के थाने में ले गई, पकड़ के ले गई उसको, और उसके डंडे बजा रही थी, पुलिस कहती तू था, वो कह रहा ना, था ना, था ना, तू चोरी कर रहा था उसमें था, वो कह रहा ना, तो था ना, ठीक है, तो थाना था, पुलिस स्टेशन को बोलते हैं पुलिस थाना, ठीक है, यहां पे क्या है, ये है पुलिस हेडक्वार्टर, ठीक है, अब देखिए बिल्कुल पब्लिक रिपोर्टिंग प्लेस, अब देखिए पुलिस हेडक्वार्टर में क्या होता है, पॉलिसीज बनती हैं, क्या बनती है बच्चों, पॉलिसी बनती है, प्लान बनते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो इसके प्लान बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर में बनते हैं, क्या पॉलिसी बनती है, प्लान बनता है कि किस तरीके से क्राइम को कम किया जाए, मान लीजिए एक पॉलिसी बनी कि रात को, जो पुलिस थाने की जो जीप है वो सड़कों पर घूमेगी, 3-4 बार राउंड देगी, ठीक है, 3-4 बार राउंड देगी, तो पॉलिसी बनी, प्लान बना, ठीक है, ये पॉलिसी तैयार कर दी इस हेडक्वार्टर ने,
और इस पॉलिसी को रन कौन करेगा, एग्जीक्यूट कौन करेगा बच्चों? कौन कर रहा है? पुलिस थाना कर रहा है, ठीक है, पुलिस स्टेशन कर रहा है। तो मुझे आप फटाफट बताइए इसमें से स्टाफ कौन है और लाइन कौन है, फटाफट बताइए विच वन इज स्टाफ एंड विच वन इज लाइन। पुलिस हेडक्वार्टर लाइन है कि पुलिस हेडक्वार्टर स्टाफ है? फटाफट बताइए। मैंने आपको बताया था स्टाफ जो है वो प्लान पॉलिसी तैयार करता है। लाइन पुलिस स्टेशन स्टाफ, वेरी गुड, हेडक्वार्टर है, बिल्कुल। देखिए तो लाइन का मतलब क्या है, जो क्या है, लाइन हो गया आपका पुलिस थाना, पुलिस स्टेशन, जो क्या करा रहा है, एग्जीक्यूट करा रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इसको बोल दिया गया स्टाफ, इसको बोल दिया गया स्टाफ। क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर नॉट? अभी एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि और चीजें क्लियर हो। प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी के अंडर में पीएमओ होता है, होता है कि नहीं होता है? प्रधानमंत्री जी क्या काम करेंगे, ठीक है, क्या काम नहीं करेंगे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी कहाँ जाएंगे, किस देश में जाएंगे, किस देश में नहीं जाएंगे, आज प्रधानमंत्री जी कहाँ मीटिंग है, ये कौन निर्धारित करता है, इसका प्लान कौन तैयार करता है, फटाफट बताइए। पीएमओ करता है कि पीएम जी, प्रधानमंत्री जी खुद करते हैं? अगर प्रधानमंत्री खुद ये काम करने लगे तो बस तो हो लिया प्रधानमंत्री जी, तो फिर तो परेशानी हो जाएंगे। पीएमओ करता है, तो फटाफट बताइए पीएमओ स्टाफ है कि लाइन है और पीएम साहब स्टाफ है कि लाइन है, फटाफट बताइए। वेरी गुड, पीएमओ क्या, शाबाश, स्टाफ है। पीएमओ क्या है, स्टाफ है, और पीएम साहब क्या है, लाइन है। क्योंकि जो ये बना के पॉलिसी बना के देंगे, इन्होंने कहा पीएम साहब से कि प्रधानमंत्री जी आपका रशिया का दौरा है, राइट, तो ये क्या करेंगे, रशिया चल देंगे, यानी कि एग्जीक्यूट करेंगे, ये प्लान तैयार कर रहे हैं, ये प्लान तैयार कर रहे हैं, प्लान पॉलिसी बना रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी इसको रन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं। तो दिस वन इज कॉल्ड स्टाफ और ये लाइन। अब पीएमओ में भी दो तरीके के क्या होते हैं, पीएमओ में बच्चों दो तरीके के स्टाफ होते हैं, एक होता है जर्नल स्टाफ और एक होता है स्पेशल स्टाफ। एक जर्नल स्टाफ होता है और एक स्पेशल स्टाफ होता है। अब जर्नल स्टाफ समझिए, प्रधानमंत्री जी कहां ट्रेवल करेंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री जी किस मीटिंग में जाएंगे, ठीक है, कहीं पे कोई फीता काटना है प्रधानमंत्री जी को तो वहां जाएंगे, तो ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये जर्नल स्टाफ डिसाइड करेगा। प्रधानमंत्री जी रशिया जा रहे हैं तो टिकट कौन बुक करेगा, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो ये कौन करेगा, जर्नल स्टाफ करेगा, ठीक। अब जैसे कोविड की सिचुएशन आ गई, तो कोविड में जो कमेटी होगी जो रिपोर्ट देगा कोविड के बारे में, तो स्पेशल स्टाफ होगा, जैसे कोविड 19 पे कोई रिपोर्ट देगा, मेडिकल से संबंधित कोई इश्यूज हैं देश के अंदर उस पर कोई रिपोर्ट देगा, कोई न्यूक्लियर अटैक होने वाला है या कोई मिलिट्री छोटी आँख वाले चाइना वाले हम पे हमला करने वाले, तो मिलिट्री स्टाफ होगा जो क्या करेगा, प्रधानमंत्री जी को क्या करेगा, प्लान बना के देगा कि छोटी आँख वाले हम पे हमला कर रहे हैं, ये हमारा है, ये क्या है, हमारा एक प्लान है, इस तरीके से हम एक्शन लेंगे, तो वे भाग जाएंगे, वो हार जाएंगे, तो समझ रहे हैं। पीएम क्या है, पीएम इज लाइन, और पीएमओ क्या है, स्टाफ है। पीएमओ क्या है, स्टाफ है, और स्टाफ भी दो तरीके का हो सकता है, एक जनरल स्टाफ और एक, ठीक है, क्या होता है, स्पेशल स्टाफ। अच्छा बच्चों ये बताइए, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ, स्टाफ की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या सोचते हैं आप, क्या जरूरत है स्टाफ की, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जो प्रिंसी जो गुलिक और उर्विक ने जो स्टाफ लाइन एजेंसी की बात की है उसके उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो उन्होंने स्टाफ और लाइन की बात करी है उसमें रिक्वायरमेंट क्या है स्टाफ की,
बताइए। वेरी गुड, इसमें दुबारा की काम प्रॉपर ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सही से काम करेगी, ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए यहां पे क्या बताया है, यहां पे कहता है लाइन एजेंसी, गुलिकन और विक कहते हैं कि लाइन एजेंसी वो है जो एग्जीक्यूट करेंगे प्लान को ग्रास रूट लेवल पर, यानी बिल्कुल निम्न लेवल पे, स्तर पे जाके जो इस फंक्शन को परफॉर्म करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, उसी को लाइन एजेंसी बोलते हैं। स्टाफ एजेंसी क्या है, स्टाफ एजेंसी विच असिस्ट लाइन एजेंसी, जो लाइन एजेंसी की मदद करे, लाइन एजेंसी के लिए प्लान तैयार करे, एडवाइस दे, पॉलिसी बनाए, ठीक है, किसके लिए, लाइन एजेंसी के लिए, उसी को बोलते हैं स्टाफ, क्या बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड स्टाफ एजेंसी। क्लियर है बच्चों, ठीक है, जो स्टाफ एजेंसी है अथॉरिटी ऑफ आइडिया, यानी कि जो स्टाफ एजेंसी है वो अथॉरिटी है किसकी, आइडियाज की, उसके पास विचार हैं, उसके पास प्लान है, उसके पास पॉलिसीज हैं, उन्हीं प्लान, उन्हीं पॉलिसीज, उन्हीं आइडियाज से ये क्या करेगा, मदद करेगा, असिस्ट करेगा किसको, लाइन एजेंसी को, ठीक है बच्चों, लाइन एजेंसी को मदद करेगा। फिर आपको मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि जो स्टाफ एजेंसी है वो भी दो तरीके की हो सकती है, एक आपकी जर्नल स्टाफ हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, जो रूटीन वर्क देखेगा, जो रूटीन काम देखेगा नॉर्मली, ठीक है, और एक हो सकता है आपका स्पेशल स्टाफ। स्पेशल स्टाफ मतलब कोई स्पेशल पॉलिसीज बन रही है या कुछ स्पेशल एक्शन परफॉर्म हो गया है तो उसमें असिस्टेंस लेनी है लाइन एजेंसी को, तो मदद ले सकता है किससे, उस स्टाफ, ठीक, सॉरी स्पेशल स्टाफ से। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, तो बहुत फिर दोबारा समझा देता हूँ, इसके लिए हमेशा एक फिगर याद रखिए अपने दिमाग में, स्टाफ लाइन एजेंसी के लिए बस याद रखिएगा पीएम, पीएमओ, और पीएमओ के भी दो भाग, एक आपका जर्नल स्टाफ और एक स्पेशल स्टाफ। ये क्या पार्ट है, ये जो पार्ट है दिस वन इज नोन एज, ये स्टाफ कहलाएगा, क्या कहलाएगा फटाफट बताइए, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम और इसको क्या बोलेंगे फटाफट, एक नंबर पे क्या लिखूं और दो नंबर पे क्या लिखूं, जल्दी बताइए फटाफट, एक नंबर क्या है, दो नंबर क्या है, वेरी गुड, एक नंबर लाइन है और दो नंबर स्टाफ है, ये स्टाफ है और दिस वन इज लाइन, ठीक है, क्लियर हुआ, लाइन और स्टाफ का जो प्रिंसिपल दिया, जिनसे स्टाफ का प्रिंसिपल दिया, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है आपको यहां तक। इसका एग्जांपल याद रखिएगा पीएमओ और पीएम का और पुलिस हेडक्वार्टर फॉर पुलिसिंग फंक्शंस, ठीक है, इन दोनों से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये भी प्रिंसिपल दिया किसने, गुलिगेंड और विक ने, किसका दिया, स्पैन ऑफ कंट्रोल का, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप, स्पैन ऑफ कंट्रोल। अभी कोई बच्चा बोल रहा था कि चीज़ें ज़्यादा होने लगी, याद नहीं होता, इसीलिए इसी की वजह से मैं अल्टरनेट डेज पे क्लास लेता हूँ, अगर डेली लेनी शुरू कर दी तो फिर आप कूदना शुरू कर दोगे, तो अभी थोड़ा सा रिदम बन जाए कुछ समय के बाद। तो अच्छा, आपको एक काम करना है, मैं आपको एक छोटा सा मैं आप टास्क दे रहा हूँ, आप आज सिलेबस निकालिएगा पेपर वन का, और पेपर वन में देखिएगा कि आपने अभी तक तीन थिंकर्स, आप ये भी नेक्स्ट क्लास में पूरा हो जाएगा, जो आपने चार थिंकर्स पढ़ लिए अभी तक, चार पढ़ लिया आपने, फोर्थ नंबर का है, तो जो आपने जो पढ़ा है सिलेबस देखिएगा, कोई ऐसा शब्द है आपके सिलेबस में जो मैच कर रहा है इनकी, इन थिंकर्स के कहने से, जो इन थिंकर्स के प्रिंसिपल हैं, जो इन्होंने सिद्धांत दिए है या थ्योरी दी है, वो थ्योरी और प्रिंसिपल किसी आपके सिलेबस में कहीं मैच कर रहे हैं क्या, आपको मुझे बताना किस लाइन में मैच कर रहा है। आपके 14 देखिए कितने हैं, 14 14 1 2 3 4 करके ऐसे 14 आपके चैप्टर हैं इसमें, पेपर वन में, पेपर वन में 14 चैप्टर हैं बच्चों। इन 14 चैप्टर में अभी तक हमने कैसे, हम पौने चार समझते हैं आप, चार में से 25% कम, ठीक है, पौने चार हम थिंकर्स पढ़ चुके हैं। देखिए आप में से कोई एक दो लाइन मैच कर रही है क्या, आपको मुझे बताना है कौन सी यूनिट में। हाँ पीडीएफ, तो ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे, डोंट वरी, आप बस केवल क्या कीजिए, आपको क्या काम करना है आज, इसका निश्चित है सही समय पे मैं चीजें सही दे देता हूँ, सही समय पे क्या चीजें हैं मैं वो हमेशा देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, बस आप सिलेबस निकालिए, देखिए अब ऐसे दिमाग में कि हमने वुड्रो विल्सन पढ़ा, फेड्डी टेलर पढ़ा है,
हेनरी फ्यूल पढ़े और गुलिकन उर्विक पढ़ रहे हैं। कुछ जो इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, और क्या नाम आपने फ्लैग फोरमैनशिप की बात करी, ठीक है, फोरमैन फ्लैगशिप की बात करी, ये सब जो आपके फेडिटेलर साहब ने या वुडरो विल्सन साहब ने पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी की बात करी, इन सब को देख के आपको क्या लगता है कि सिलेबस में कुछ पॉइंट मिल रहे हैं क्या? मिल रहे हैं तो आप फटाफट बताएंगे कहाँ पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप बताएंगे, ठीक। तो देखिए अब बात करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या कहा गुलिक एंड उर्विक ने? गुलिक एंड उर्विक कहते हैं कि जो सुपीरियर है, जो बॉस है, बॉस को अपने नीचे क्या करना चाहिए, सुपीरियर है उसको अपने नीचे जा अपने नीचे मैक्सिमम 6 सब ऑर्डिनेट रखने चाहिए, केवल 6, 1 A B C D E F। दोबारा सुनिए क्या बोलता है ये कहता है गुलिक एंड उर्विक कहता है कि जो सुपीरियर है यानी जो बॉस है उसे अपने नीचे मैक्सिमम 6 सब ऑर्डिनेट रखने चाहिए। अगर वो 6 से ज्यादा सब ऑर्डिनेट रखता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो बॉस है, जो सुपीरियर है, वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, इन सब लोगों पे सही ढंग से नहीं देख पाएगा। अब देखिए यहां पे आपको लग रहा है 6 के बाद 7-8 बढ़ा लो, क्या दिक्कत है? बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब ये क्या कर रहा है, ए जो है, बॉस जो है वो ए पर भी ध्यान दे रहा है, बी पर भी ध्यान दे रहा है, सी पर भी ध्यान दे रहा है, डी पर भी ध्यान दे रहा है, ई पर भी ध्यान दे रहा है और एफ पर भी ध्यान दे रहा है। और क्या ध्यान दे रहा है, इन दोनों का कैसा रिलेशन है, इस पर भी ध्यान दे रहा है, इन दोनों का कैसा रिलेशन है, इस पर भी ध्यान दे रहा है, इन दोनों का कैसा रिलेशन है, इस पर भी ध्यान दे रहा है, और इन दोनों ग्रुप का कैसा रिलेशन है, इस पर भी ध्यान दे रहा है, इन दोनों ग्रुप का कैसा रिलेशन है, इस पर भी ध्यान दे रहा है। तो देख रहे हैं फिर इन दो ग्रुप का इस अकेले से कैसा रिलेशन है, तो हमें केवल लग रहा है कि केवल 6 है, लेकिन ये क्या है, एक अपने आप में एक सिस्टम बनता जा रहा है, जो चैन सिस्टम जुड़ती जा रही है, क्योंकि जो बॉस है उसको अपने सबऑर्डिनेट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। मान लीजिए एक सपोज कीजिए एक बॉस है, ठीक है, उसके अंडर में 6 लोग काम कर रहे हैं, तो हर इंडिविजुअल पे ध्यान रखेगा, फिर देखेगा इन दो का आपस में कैसा रिलेशन है, इन दो का इस तीसरे से कैसा रिलेशन है, इन तीन का इन दो से कैसा रिलेशन है, तो देख रहे हैं अपने आप में पूरा ग्रुप टाइप बनना शुरू हो गया, ठीक। तो लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन अगर एक मेंबर और बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अभी जो ग्रुप बाजी हो रही थी और बढ़ जाएगा, जिसपे ध्यान देना पॉसिबल नहीं है एक बॉस के लिए, एक सुपीरियर के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम यहां पे गो है द स्पैन कंट्रोल का मतलब है अ सुपीरियर कैन सुपरवाइज डायरेक्टली द वर्क ऑफ 5 और एट द मोस्ट 6 सबऑर्डिनेट। मतलब स्पैन कंट्रोल का मतलब है कि एक सुपीरियर के अंडर में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम केवल 6 सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, इससे ज्यादा सबऑर्डिनेट नहीं हो सकते। अगर इससे ज्यादा सबऑर्डिनेट होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फटाफट बताइए, एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता जो है बॉस की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर बॉस की ही टॉप मैनेजमेंट की क्षमता ही ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करेगी, समझ रहे हैं? तो स्पैन ऑफ कंट्रोल, अब ये जो फॉर्मूला है ना कि 6 बॉस का 6 ही इसके नीचे होने चाहिए, ये कोई तुक्का नहीं मारा। एक थिंकर्स थे ग्रेकुनस, जिनका नाम था ग्रेकुनस, उन्होंने ये थ्योरी दी थी, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, ग्रेकुनस ने एक फॉर्मूला दिया था, इस फॉर्मूले में इन्होंने ही इस फॉर्मूला निकाला था और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था, ठीक है, इन्होंने मैथमेटिकली फॉर्मूला इजाद किया जिसमें इन्होंने बताया था कि एक जो सुपीरियर है उसे अपने अंडर में 6 ही सबऑर्डिनेट रखने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रखने चाहिए। अगर इससे ज्यादा रखेंगे तो दिक्कतें पैदा होंगी, बहुत ध्यान सुनिए, एक सुपीरियर को अपने अंडर में 6 ही, ठीक है, क्या रखने चाहिए, सबऑर्डिनेट रखने चाहिए। किसने, ग्रेकुनाज ने बताया, ये भी एक थिंकर्स था,
इसी की बात को इन्होंने क्या गुलिक एंड उर्विक ने रिप्रेजेंट कर दिया स्पैन ऑफ कंट्रोल कह के। इस बंदे ने क्या कहा, इसने एक अर्थमेटिकल फॉर्मूला दिया, इसने बताया कि देखिए अभी तो ये एक एक पे कंट्रोल कर रहा है, एक एक पे ध्यान दे रहा है, एक एक पे ध्यान दे रहा है, फिर क्या होगा ये इन दोनों पे भी ध्यान देगा, इन दोनों पे भी ध्यान देगा, इन दोनों पे भी ध्यान देगा, फिर इन दोनों पे भी ध्यान देगा, इन दोनों पे भी ध्यान देगा, इन दोनों पे भी ध्यान देगा, इन दोनों पे भी देगा और इन दोनों पे भी देगा। समझ रहे कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। फिर ये इन तीन पे ध्यान देगा, इन तीन पे ध्यान देगा, फिर इन तीन पे ध्यान देगा, फिर इन तीन का आपस में कैसा रिलेशन होगा। तो देख रहे हैं पहले डायरेक्ट सिंगल रिलेशन देखेगा, फिर ग्रुप रिलेशन देखेगा, फिर क्रॉस रिलेशन देखेगा, यानी कि इतना आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखना है। देखो सिंगल पे एक एक पे ध्यान दिया, फिर ग्रुप रिलेशन देखा, फिर क्रॉस रिलेशन देखा, इनका इससे क्रॉस करके देखा, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। छह की जगह जैसे आप सात करेंगे तो ये और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, आठ करेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो आपको केवल दिमाग में ये रखना है कि स्पैन कंट्रोल का मतलब है कि एक सुपीरियर, एक बॉस अपने अंडर में छह सबोर्डिनेट रखेगा। जैसे जैसे आप बताइए फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या बताया था कि एक वर्कर के कितने बॉस होने चाहिए, फटाफट बताइए। फंक्शनल फोरमैनशिप में फंक्शनल अकॉर्डिंग टू फेडरिक टेलर, उन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप की बात की थी, तो फंक्शनल फोरमैनशिप के अकॉर्डिंग एक वर्कर के कितने बॉस होने चाहिए, शाबाश आठ होने चाहिए, वेरी गुड, कितने आठ होने चाहिए। बस यही बात क्या है, इन्होंने बोल दी स्पैन ऑफ कंट्रोल का नाम दे के इन्होंने कह दिया कि एक सुपीरियर के कितने छह ही सबऑर्डिनेट होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको इन्होंने कहा स्पैन कंट्रोल, द स्पैन ऑफ कंट्रोल, राइट, स्पैन ऑफ कंट्रोल। छह से कम कर सकते हैं, बिल्कुल छह से कम करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, छह से कम कर लीजिए, लेकिन छह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर आपको एक दूसरा सुपीरियर होना चाहिए। एक के अंडर में छह से कम कर सकते हैं आप, तीन कर लीजिए, दो कर लीजिए, एक कर लीजिए, चार कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छह से ज्यादा ही करोगे तो क्या होगा, होचपोच हो जाएगी, आउटपुट खत्म हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, जो कंट्रोल है, जो कंट्रोल करने की क्षमता है सुपीरियर की, वो रिड्यूस हो जाएगी। यहां पे क्या बोलता है, यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल आल्सो डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है एक बॉस के कितने छह ही सबऑर्डिनेट होने चाहिए, ठीक है। यहां पे स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल किस पे डिपेंड करता है, लीडरशिप क्वालिटी ऑफ सुपीरियर, इसकी क्वालिटी कैसी है। अभी जैसे एक बच्चे ने किसने पूछा है कि छह से कम नहीं हो सकते, देखिए छह से कम, अब देखिए बहुत बढ़िया, ये बॉस हैं, इनके एक दो तीन, एक दो तीन, और एक बॉस हैं इनके एक दो तीन और एक चार, एक बॉस हैं इनके एक दो तीन चार पांच और एक छः, बी वन बी टू बी थ्री। तो देख रहे बी थ्री के अंदर में छह सुपीरियर काम कर रहे हैं, बी वन के तीन काम कर रहे हैं और बी टू के चार काम कर रहे हैं, तो इनकी लीडरशिप क्वालिटी है, स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी देख रहे हैं, उसकी बंदे की लीडरशिप इतनी जबरदस्त है कि वो छह लोग कंट्रोल कर रहा है, ये कमजोर है तो तीन को ही कर रहा है, ये केवल चार को ही कर रहा है, तो लीडरशिप पे भी डिपेंड करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। दूसरा क्या है, टाइप्स ऑफ वर्क रूटीन और नॉन रिपीटिव। देखिए एमएम का मतलब क्या है, आप देखिए रिपीटिव वर्क रूटीन, रूटीन वर्क और नॉन रिपीटिव काम में क्या है, मान लीजिए एक मैच बॉक्स है, माचिस बनाने वाली कंपनी है और एक मिसाइल बनाने वाली कंपनी है, बहुत ध्यान सुनिए, एक माचिस बनाने वाली कंपनी है, एक मिसाइल बनाने वाली कंपनी है, तो यहां पर तो रोज सेम सा ही काम होता है, रूटीन काम होता है, एक जैसा ही काम होता है, यहां पर क्या होता है रोज नए नए काम होते हैं, भाई रोज नई नई टेक्नोलॉजी बदल रही है ना, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, यहां पर रूटीन काम हो रहे हैं, यहां पे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, आपको क्या लगता है यहां पे स्पैन ऑफ कंट्रोल, यहां पे क्या यहां पे देखिए, यहां पे इसने मान लिया छह मेंबर अपने, छह अपने सब सुपीरियर रख रखे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेली सेम जैसा काम है, एक बार सारों को जो ऑर्डर दे रखा है छह के छह वैसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पे बोलते हैं गुलिक एंड उर्विक भैया छह से कम ही रखो, आप छह से कम ही रखो क्योंकि रोज नया नया टास्क आ रहा है,
रोज तुम छह को बातें बताओगे क्या? नहीं नहीं फिर उन पे ध्यान रखोगे, तो इसलिए कम रखो यहाँ पे, सुपीरियर कम रखो, ठीक है, सॉरी सबोर्डिनेट कम रखिए। यहाँ पे जहाँ रूटीन काम है वहां पे आप फिक्स रख सकते हैं, मेंटेन कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ओल्डर न्यू। अगर पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे डेली सेम जैसे काम चल रहा है, बहुत साल से चल रही है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब इससे कोई इशू नहीं है कि आपके अंडर में पांच काम कर रहे हैं, चार काम कर रहे हैं, छह काम कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम छह ही है लेकिन पांच छह कोई नहीं। लेकिन अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके नीचे जो सुपीरियर हैं भैया वो देख के रखिए, क्योंकि आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नई नई इंडस्ट्री में नई नई टेक्नोलॉजी है, रोज नई नई बातें होंगी, ठीक। तो जहाँ पे जहाँ रूटीन काम है वहां पे भी आपके अंडर में कितने सुपीरियर है, दो हैं, तीन है, छह तो मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, दो तीन चार हैं, कितने हैं, उन पर डेली फोकस करने की आपको ज्यादा ध्यान नहीं है। लेकिन अगर जहां पे रूटीन काम नहीं होता है, डेली नॉन रूटीन काम है, तो वहां पे आपको अपने सुपीरियर पे ध्यान देना, अपने सुपीरियर सॉरी सबोर्डिनेट्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं कि अगर कोई पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है तो जो आपके सबोर्डिनेट्स हैं उन पे कोई खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नई ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको सबोर्डिनेट्स पे ध्यान देनी पड़ेगी बॉस को। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको, ठीक है। आपका टास्क क्या है, मैं एक टास्क बता रहा हूं आपको, मैंने क्या बताया अभी तक हमने लगभग चार थिंकर्स पढ़े हैं, चार थिंकर्स में आपको ये देखना है कि भाई जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो कुछ सिलेबस में मिल रही है क्या, सिलेबस में कुछ मिल रहा है क्या, ठीक है। और ऐसे नहीं पेन और पेपर पे लिखना है, वहां कभी ग्रुप में टाइप कर दे, मैं वो पसंद नहीं है मुझे, फिर ऐसे करके आपको ऐसे करके बताना है कि कुछ सिलेबस में मैच हो रहा है क्या, कुछ इन्होंने बताया है क्या क्या चीजें हैं। अगर नहीं लग रहा तो सिलेबस देखिए कि सिलेबस के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, इस यूनिट के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, इस यूनिट के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, कुछ मैच कर रहा है क्या, देखते हैं ना। और मुझे भेजिएगा किस पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। अब अल्टरनेट डेज पे क्लास होगी नेक्स्ट, मतलब कल छोड़ के कल इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, और जल्दी हम करेंगे कि आपकी डेली बेसिस पे मैं क्लास लेना शुरू कर दूँ, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा ये है कि चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, तो इसलिए थोड़ा समय ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए फिर ये कल पढ़ेंगे वन टॉप एग्जीक्यूटिव और बाकी चीज़ें। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।